पुस्तकों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते हैं, उसमें पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कि उस बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। कल हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया, इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाज़ा था उसमें, वो हमको जानकारी मिली। देखो मेरे कोचिंग में पानी भर गया है, तो उस दिन छुट्टी हो जाती, तो बोलती थी कि जब कोचिंग में पानी भरता है तो मैसेज आ जाता, तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो इसके पहले जो पानी उसमें जल भरा होता था वो बच्चे आने से पहले हो जाता था, तो इसलिए उस दिन छुट्टी करके बच्चे सेफ हो जाते थे। ऐसा है, इन्होंने 5-6 बार ऐसे कर चुके हैं पहले भी, उसमें जल भरा हो जाता था उसके बाद छुट्टी कर देते थे। श्रेया तो अभी अप्रैल में गई थी, दो महीना हुआ, दो महीने में 5-6 बार घटना हो गई। इसी महीने में 5-6 बार घटना हुई, जुलाई में ही पानी भरने का सिलसिला वहाँ जारी रहता। अभी हमारे से जब 26 तारीख को बात हुई तो 26 तारीख को भी पानी भरा था, उसमें छुट्टी कर दिए थे। सरकार से यही मांग करेंगे, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, कल को उनका भी बच्चा ऐसा कोचिंग में जाता है, अगर वो इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं तो कल को उनका बच्चा भी जाएगा, उनकी भी बेटी जाएगी, हो सकता है उनका भाई बहन भी जाए। तो हम यही आशा करेंगे कि ऐसे लोगों को वो ना दे, रहने के लिए आसाना ना दे, इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि हो सकता है ये घटना उनके साथ भी घट सकती है। सूचना मिली कि हमारे अम्बेडकर नगर जनपद की एक छात्रा जो दिल्ली में रात में घटना हुई थी उसमें उसका देहांत हो गया, तो उसी के संदर्भ में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि उसके समस्या को उसको देख जान सकें। यहाँ आने पर सारी बात पता चली कि वो अपने परिवार की एक होनहार छात्रा थी जो दिल्ली में IAS कोचिंग करने के लिए अप्रैल में गई। अब पूरी घटना कैसे हुई है, चूंकि दिल्ली घटना पहले वहाँ से ही पता चलेगा। शासन स्तर से हम इसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके तत्काल भेज रहे हैं।